यहाँ उकाड़ा से मैं क्लास कर रही हूँ और मेरी मेकअप की क्लास हो रही है यहाँ पे, जो कि जूमी ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है। और यहाँ पे क्राउड जो है वो हम देखते हैं, एकदम क्राउड तालियां बजा दे। सो जबरदस्त क्राउड यहाँ पे उकाड़ा का है। मेरी यहाँ पे बहुत प्यारी सी मॉडल है, क्योंकि एक्चुअली ऑनेस्टली आपकी स्किन केयर ही जो है वो आपके मेकअप को उठाती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन में प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास सब होने चाहिए, क्लेंजर, स्क्रब, सीरम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, आई क्रीम, ये चीजें ऑफ मेकअप लगाना है। मैं जो है ना वो लेयर ऑफ मेकअप जो है लगा के मुझे खुद लगता है कि मेरी स्किन जो है ना अजीब सी लग रही होती है, फील भी अजीब हो रही होती है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, एक शक्ल अजीब बुढ़ी सी लगने शुरू हो जाती है। मुझे जो है वो बड़ा सॉफ्ट ब्लेंडेड सा मेकअप पर्सनली बहुत पसंद है, और अपनी ब्राइड्स के ऊपर जाहिर है थोड़ा सा हैवी करना पड़ता है। तो अभी मैंने उनको फेस में से लगा के थोड़ा सा मैं जो उनको अब अपना ये सिरम लगा रही हूँ, जो कि ये एंटी एजिंग सिरम है, ठीक है। अभी मैं इनका सिरम लगा रही हूँ, सिरम लगा के थोड़ा सा जो है वो इनकी स्किन को हल्का सा इसके अंदर अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्राइमर। अच्छा जी, प्राइमर जो है अब बिल्कुल बन सकता है, सनब्लॉक में प्राइमर बन सकता है, ठीक है। और जो खास तौर पे जो पोर्स के लिए जो प्राइमर होता है वो कैसा प्राइमर होता है? ये बड़ा खास से सवाल का जवाब आएगा। जेल प्राइमर, वेरी गुड। उसमें होता क्या है? वेरी गुड, जबरदस्त। ये एक्चुअली बड़ा टेक्निकल ये चीज है, और जवाब इन्होंने सही दिया है। उसके अंदर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो आपके पोर्स में जाके बैठ जाता है, ठीक है। और जिनके लेकिन प्लीज जिनकी एक्नी के खड्डे होते हैं ना, वो आप मत समझे कि वो पोर्स होते हैं, ठीक है। एक्नी के खड्डे एक अलग चीज होती है, और जो पोर्स होते हैं आपके स्किन पे, जो आपके मसाम होते हैं, वो थोड़े से वो बिल्कुल अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो जो आपका पोर फिलिंग प्राइमर होता है वो आपके सिर्फ पोर्स को फिल करेगा, लेकिन एक्नी के खड्डों को जो है वो एक्सेलेंट। तो कलर करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। खास तौर पे जहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं। अभी मैंने ये अपना जो मैंने प्राइमर लगाया है, आप लोगों ने आप देख सकते होंगे कि इनकी स्किन पे एक बड़ी ग्लो। और ये मैं सिर्फ जहाँ पे पोर्स होते हैं, मैं सिर्फ उस एरिया में वो पोर्स को पोर फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे पोर नहीं है मुझे ये इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पोर वाले एरिया में मैं लगाऊंगी, तो ये आपके पोर में जाके घुस जाएगा और उसके बाद उस पोर को फिल करेगा। लेकिन जहाँ पे पोर नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सिलिकॉन एक स्लिपरी आइटम होता है, वो आपकी फाउंडेशन को स्लिप ऑफ करा देगा, ठीक है। वो आपका फाउंडेशन वहाँ पे बैठेगा नहीं, वो स्लिप हो जाएगा। तो आप जो जेल प्राइमर होता है ये आप फुल फेस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जेल प्राइमर जिनके पोर्स होते ही नहीं हैं वो अपने फेस पे ऐसे लगा, पोर्स तो हर एक के होते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन जिनके पोर्स एनलार्ज नहीं होते वो अपने फेस पे लगाते हैं, तो इसकी पपड़ी से बनने शुरू हो जाती है और ये ऐसे करके उतर आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जितना अब्सॉर्ब होना था वो हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा इनके चिन्ह। तो ये प्रोवेड मैट जो फाउंडेशन है प्री बुकिंग के तहत, एंड आपको जो है वो इंशाल्लाह विद इन लाइक वन वीक जो है वो आपको चीजें मिल जाएंगी। सो मैं जो हूँ वो ये एशी, आपने बड़ा लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया है, एशी जब हो जाता है तो ये क्यों होता है एशी? आपको मैट फाउंडेशन इस्तेमाल करना। अब देखिए क्राइलिन जो है वो मुझे नहीं पता कि आपकी क्राइलिन बेस क्यों फिर फट रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये एक है इश्यू, ठीक है। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, ठीक है, अगर कहीं पे दाग धब्बे हैं तो आप इतना ज्यादा लाइट कवरेज नहीं कर सकती हैं। आपको थोड़ा सा प्रॉपर एक लुक देने के लिए, एक बेस बनाने के लिए आपको हल्का सा जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपको हैवी फाउंडेशन
की लेयर देनी जरूरी, बड़ी डिमांड है क्योंकि बड़ा शिमरी ग्लोइंग ग्लोइंग सा हमें फाउंडेशन चाहिए। ये फाउंडेशन है, ये है 2750 का 65 ml, और आज जो फाउंडेशन को अच्छी तरीके से टैपिंग मोशन में जो है आपको लगाना है। अगर मैं इसको स्ट्रोकिंग मोशन में करूँ या अगर मैं घसीटूंगी इसको, तो मेरे नीचे से जो फाउंडेशन, जो मैंने मैट फाउंडेशन लगाई है, वो हटने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको घसीट नहीं सकती हूँ स्किन के ऊपर, मुझे जो है वो टैपिंग मोशन के जरिए जो है वो ये इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। ठीक है, नहीं जी ये मेरा ड्राई है, ये ड्राई है बिल्कुल, क्योंकि मैं, मेरा जो ये लिक्विड फाउंडेशन है, अगर मैं लिक्विड फाउंडेशन को वेट से लगाऊंगी, ये भी एक थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम होता है, आपकी फाउंडेशन जो होती है वो सही तरीके से आपकी स्किन में ब्लेंड नहीं होती है। जो आपका ऑयली बेस्ड फाउंडेशन होती है, जैसे कि स्टिक्स हो गई, क्रीम कॉम्पैक्ट्स हो गए, उनको जो है वो आप वेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें लगाई हैं और इनकी जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ एंड ग्लोई, ये है क्रीम कॉम्पैक्ट। ये क्रीम कॉम्पैक्ट इसमें जो है अंडर आइज को हल्का सा ब्राइटन करने के लिए, ठीक है, आपको हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ पे जो है ये बड़ी जबरदस्त लगा रही हूँ, एंड सेंटर ऑफ द फेस पे, नोज पे और अराउंड द लिप्स, ठीक है, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी हाइलाइटिंग चाहिए। अच्छा, तो देखो मेरा लूज पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर, मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आजकल का जो एक ट्रेंड है वो ये है कि आप जो है वो कंटूरिंग बहुत नीचे नीचे नहीं करेंगे, आप ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे। इससे क्या होता है, यस, फेस जो है वो आपका लंबा नहीं लगता है, और एंटी एजिंग नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आपका फेस लिफ्टेड लगता है। ठीक है, और हमें क्या चीज, वैसे भी हमें क्या चीज जो है वो अचीव करनी होती है मेकअप में, हमें जो है वो फीचर्स को शार्प करनी है, हमें अपनी लिफ्टेड चीक बोन्स चाहिए, पाउची लिप्स चाहिए, आर्च आईब्राउज चाहिए, हमें जो है वो बड़ी पॉइंटी नोज चाहिए, हमें पॉइंटी चिन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी होती है यूथफुल फेस जो होता है। तो जब चीक बोन्स के करीब करीब करेंगे तो वो आपका लिफ्टेड फेस लगता है। ठीक है, अब वैसे तो खैर कंटूरिंग में जो है वो आप अलग अलग जो है वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर राउंड फेस, फॉर स्मॉल फेस, फॉर लॉन्ग फेस, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो मॉडल बैठी है उनका जिस हिसाब से फेस है, मैं उसी हिसाब से उनकी कंटूरिंग कर रही हूँ। ठीक है, और नोज की जो कंटूरिंग है, ये अगेन ये सारे मेरे ही ब्रशेस हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ब्रशेस भी जो है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। ब्रशेस जो होते हैं वो आपके औजार होते हैं। ठीक है, आप ये शिमर ब्रशों में भी जो है वो आपको 6 शेड्स मिलेंगे इस कलर इफेक्ट में। तो एक दफ़ा हमारे डिज़ाइनर के लिए भी ज़रूर तालियां होनी चाहिए।